भाई लोग कैसे हो आप। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। Redmi Note 11 के लिए बहुत सारे भाई लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे इंडिया में, और आज फाइनली इंडिया में Redmi Note 11 को लॉन्च कर दिया। जिस प्राइस के अंदर, जिस स्पेसिफिकेशन के साथ लॉन्च किया है, काफ़ी तगड़ा सा स्मार्टफोन होने वाला है। लेकिन दोस्तों, Redmi Note 11 जिस प्राइस के आसपास आते हैं, उसी प्राइस के आसपास Infinix के तरफ से भी एक स्मार्टफोन मिल जाएगा, जिसका नाम है Infinix Note 11s। इसीलिए बहुत सारे भाई लोग बहुत कन्फ्यूजन में, ये दोनों स्मार्टफोन से कौन सा स्मार्टफोन को बाई करा जा सकता है। अगर आपने ये दोनों स्मार्टफोन से कोई भी एक स्मार्टफोन को परचेस करना चाहते हो तो वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहना। तो चलिए बिना टाइम ले तो वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले ही मैं डिजाइन से स्टार्ट करना चाहता हूँ। डिजाइन जो मुझे ऑब्वियसली अच्छा लगा वो है Redmi Note 11 का। यहाँ पे बैक साइड में मिल रहा है पॉली कार्बोनेट का बॉडी, क्योंकि प्लास्टिक बॉडी के साथ आने वाला है। प्लास्टिक बॉडी होने के बाद भी ग्लॉसी फिनिशिंग डिजाइन यहाँ पे रहने वाला है, और बैक साइड में रहने वाला है क्वाड कैमरा का सेटअप, एलईडी फ्लैश, और यहाँ पे Redmi का लोगो। स्मार्टफोन इतना ज़्यादा मोटा नहीं है, पतला स्मार्टफोन होने वाला है। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर होने वाला है। स्मार्टफोन आने वाला है फुल व्यू डिस्प्ले के साथ, क्योंकि यहाँ पे मिडिल में एक 5x सेल्फी कैमरा रहने वाला है। जबकि यहाँ पे Infinix Note 11s के बारे में बात करें तो स्मार्टफोन भी आने वाला है पॉली कार्बोनेट बॉडी के साथ। पॉली कार्बोनेट बॉडी होने के बाद भी ग्लॉसी फिनिशिंग डिजाइन तो रहने वाला है, लेकिन Redmi Note 11 जैसा लुक आपको यहाँ पे नहीं मिल रहा है। और यहाँ पे भी बैक साइड में ट्रिपल कैमरा का सेटअप, एलईडी फ्लैश, और यहाँ पे Infinix का लोगो देखने को मिलता है। स्मार्टफोन भी आने वाला है साइड माउंटेन फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ, लेकिन ये जो स्मार्टफोन थोड़ा वेट होने वाला है और थोड़ा मोटा होने वाला है। और यहाँ पे भी फुल व्यू डिस्प्ले रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पे भी आपको मिडिल में एक 5x सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। तो लुक जो मुझे ऑब्वियसली अच्छा लगा वो है Redmi Note 11 का। और आप चलते हैं डिस्प्ले की तरफ। डिस्प्ले में यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिल जाता है, क्योंकि Redmi Note 11 के अंदर जो डिस्प्ले रहने वाला है 6.43 इंच फुल HD प्लस रेजोल्यूशन का AMOLED डिस्प्ले रहने वाला है। इसका बेजल्स नीचे चेन काफ़ी छोटा होने वाला है, और फ्रंट साइड में यहाँ पे कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन भी रहने वाला है। व्हाइट एलोन का सपोर्ट भी रहने वाला है, उसके साथ साथ 90Hz हायर रिफ्रेश रेट भी रहने वाला है। और यहाँ पे जो निट ब्राइटनेस आपको मिलेगा स्मार्टफोन के अंदर 1000 निट ब्राइटनेस देखने को मिल जाएगा, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। जबकि यहाँ पे Infinix Note 11s के बारे में बात करें तो यहाँ पे देखने को मिलता है 6.95 इंच फुल HD प्लस रेजोल्यूशन का IPS डिस्प्ले। यहाँ पे AMOLED डिस्प्ले नहीं मिल रहा है। यहाँ पे भी इसका बेजल्स नीचे जो चेन काफ़ी छोटा होने वाला है, और यहाँ पे फोन साइड की तरफ कौन सा ग्लास का प्रोटेक्शन दिया है वो अभी तक Infinix ने मेंशन नहीं किया। और यहाँ पे आपको वाइट एलोन का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पे 120Hz हायर रिफ्रेश रेट मिल रहा है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। Redmi Note 11 से कई गुना ज़्यादा बेटर टच सैंपल यहाँ पे Infinix Note 11 S के अंदर देखने को मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो निट ब्राइटनेस रहने वाला है 480 निट ब्राइटनेस रहने वाला है। तो अगर आपने डिस्प्ले का वीडियो क्वालिटी अच्छा लेना चाहते हो और ब्राइटनेस ज़्यादा लेना चाहते हो तो यहाँ पे जो Redmi Note 11 अच्छा होने वाला है। अगर आपने हायर रिफ्रेश रेट लेना चाहते हो, बड़ा डिस्प्ले लेना चाहते हो, तो आपके लिए यहाँ पे Infinix Note 11 S भी अच्छा होने वाला है। और अब बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन का परफॉर्मेंस के बारे में। यहाँ पे Redmi Note 11 के अंदर आपको देखने को मिलता है स्नैपडॉन कॉलकॉम का 680 चिपसेट, जो कि 6nm का चिपसेट है, काफ़ी पावरफुल चिपसेट है। और यहाँ पे आपको 4GB रैम के साथ 64GB स्टोरेज भी देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे Infinix Note 11s के बारे में बात करें तो स्मार्टफोन आने वाला है मेगा के घेलियो G96 चिपसेट के साथ। ये भी काफ़ी पावरफुल चिपसेट है, स्नैपडॉन कॉलकॉम 680 से थोड़ा पावरफुल चिपसेट जो MediaTek Helio G96 चिपसेट। और यहाँ पे जो बेस्ट वेरिएंट रहने वाला है 6GB रैम के साथ 64GB स्टोरेज। यहाँ पे दोनों स्मार्टफोन के अंदर LPDDR4X रैम रहने वाला है, लेकिन जो Redmi Note 11 के अंदर आपको UFS 2.2 स्टोरेज देखने को मिल जाता है। जबकि Infinix Note 11s के बारे में बात करें तो UFS 2.1 स्टोरेज देखने को मिलता है। और एक बात दोस्तों, Redmi Note 11 ये जो स्मार्टफोन आने वाला है Android 11 के साथ, उसके साथ साथ MIUI जो 13 का लेटेस्ट अपडेट आपको स्मार्टफोन के अंदर देखने को मिल जाता है। जबकि यहाँ पे Infinix Note 11s के अंदर आपको देखने को मिलता है जो Infinix का OS Infinix
100S का अपडेट देखने को मिल जाता है और यहाँ पे Android 11 का सपोर्ट भी रहने वाला है। और यहाँ पे Redmi Note 11 के अंदर IP53 का रेटिंग देखने को मिलता है, जबकि Infinix Note 11S के अंदर ये नहीं मिल रहा है। कैमरा में यहाँ पे Redmi Note 11 बाजी मारने वाला है, क्योंकि यहाँ पे बैक साइड में मिल रहा है क्वाड कैमरा का सेटअप, 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस एंड दो करके दो सेंसर देखने को मिल जाता है। यहाँ पे सेल्फी के अंदर 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा भी रहने वाला है। और यहाँ पे Infinix Note 11S के बारे में बात करें तो स्मार्टफोन का बैक साइड की तरफ भी रहने वाला है ट्रिपल कैमरा का सेटअप, 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर और दो करके दो सेंसर, और सेल्फी के अंदर 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। तो बैक कैमरा यहाँ पे अच्छा देखने को मिलेगा Redmi Note 11 के अंदर, क्योंकि यहाँ पे अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस रहने वाला है, और सेल्फी कैमरा थोड़ा बेटर मिलने वाला है Infinix Note 11S के अंदर। और बैटरी के बारे में बात करें तो दोनों स्मार्टफोन के अंदर 5000 mAh की पावरफुल बैटरी मिल जाएगा और 33W का फास्ट चार्जर। दोनों स्मार्टफोन का जो बैटरी बैकअप आपको लगभग सेम ही देखने को मिल जाता है। और आप चलते हैं दोनों स्मार्टफोन का प्राइस के बारे में। उससे पहले बता दूं, दोनों स्मार्टफोन के अंदर आपको डुअल स्टीरियो स्पीकर देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और प्राइस के बारे में बात करें तो जो Redmi Note 11 इंडिया में लॉन्च हुआ है 4GB रैम के साथ 64GB स्टोरेज 13,500 rupees के अंदर, जबकि यहाँ पे Infinix Note 11S जो स्मार्टफोन लॉन्च हुआ है इंडिया में अभी मिल रहा है 6GB रैम के साथ 64GB स्टोरेज, जो कि 13,000 rupees के अंदर। और आप बात करते हैं कौन सा स्मार्टफोन आपके लिए बेस्ट होने वाला है। तो अगर आपने डिस्प्ले का वीडियो क्वालिटी अच्छा लेना चाहते हो, ब्राइटनेस अच्छा लेना चाहते हो, और यहाँ पे डिजाइन अच्छा लेना चाहते हो, IP53 का रेटिंग लेना चाहते हो, तो आपके लिए यहाँ पे जो Redmi Note 11 अच्छा होने वाला है। और अगर आपने चाहते हो 120Hz हायर रिफ्रेश रेट, बेटर गेमिंग परफॉर्मेंस लेने के लिए और 6GB रैम लेने के लिए, तो आपके लिए यहाँ पे Infinix Note 11S भी अच्छा होने वाला है। ऐसे भी दोनों स्मार्टफोन अच्छा होने वाला है। Redmi Note 11 के अंदर भी गेमिंग परफॉर्मेंस आपको ठीक ठाक देखने को मिल जाता है। ऐसे भी दोस्तों दोनों स्मार्टफोन अच्छा होने वाला है। आप अपना मर्जी से कोई भी एक स्मार्टफोन को परचेस कर सकते हो। ऐसे भी दोस्तों आप कौन सा स्मार्टफोन लेना चाहते हो वो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। उम्मीद करता हूँ आज का जो वीडियो आपको थोड़ा सा पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आ रहा है तो जरूर एक लाइक कर देना, उसके साथ साथ चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली न्यू फेस वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।